अमेरिका में जॉर्जिया के लिथोनिया शहर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक बेघर नशे के आदि इंसान ने एमबीए की पढ़ाई करने गए एक 25 वर्षीय भारतीय छात्र के सिर पर हथौड़े से करीब 50 बार हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। अटलांटा में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। पूरे मामले पर भारतीय दूतावास ने लिखा, हम उस भयानक, क्रूर और जघन्य घटना से बहुत दुखी हैं, जिसके कारण भारतीय छात्र विवेक सैनी की मृत्यु हो गई, और हम कड़े शब्दों में हमले की निंदा करते हैं। ये बता देते हैं कि अमेरिकी अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रहे हैं। बता दें कि जिस स्टोर पर विवेक काम करता था, उसके सामने काफी दिनों से जूलियन फॉकनर नाम के एक नशेड़ी ने डेरा डाला हुआ था। फॉकनर बेघर था, इसलिए तरस खाते हुए 3-4 दिनों से विवेक उसे चिप्स, कोक और पानी फ्री में दे रहा था। इतना ही नहीं, विवेक ने नशेड़ी फॉकनर को ठंड से बचाने के लिए एक जैकेट भी दी थी। लेकिन लगातार 3-4 दिन बीतने के बाद भी जूलियन रोज विवेक से फ्री में सामान देने की मांग कर रहा था। विवेक उसे कई बार मना कर चुका था। 16 जनवरी को एक बार फिर फॉकनर ने विवेक से फ्री में सामान देने के लिए कहा। बार बार परेशान करने पर विवेक ने फॉकनर को वहां से चले जाने के लिए कहा। विवेक ने फॉकनर से कहा कि अगर वो नहीं जाएगा तो मजबूरन उसे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। इस पर बौखलाए फॉकनर ने घात लगाकर विवेक पर हमला कर दिया और हथौड़े से उसके सिर पर 50 बार वार किया। विवेक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो फॉकनर विवेक की डेड बॉडी के ऊपर ही खड़ा था। अब छात्र का पार्थिव शरीर भारत वापस भेजने में दूतावास सहायता मुहैया करा रहा है। दूतावास लगातार परिवार के साथ संपर्क में है।